नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर बिफरे कर्मचारी, दबने नहीं देंगे आवाज। ओल्ड पेंशन कर्मचारियों का जायज हक राजनीति के तराजू में ना तोला जाए। एनपीएस कर्मचारी बोले, नियमों के अनुरूप उठाई जा रही है मांग, जारी रहेगा हमारा संघर्ष। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से की गई टिप्पणी, कर्मचारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े और पेंशन का हकदार बन जाए पर कर्मचारी बिफर गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे एनपीएस कर्मचारियों का कहना है कि ओल्ड पेंशन उनका अधिकार है, जिसके लिए संघर्ष जारी रहेगा और प्रदेश से 1,00,000 से अधिक एनपीएस कर्मचारियों की आवाज को किसी भी सूरत में दबने नहीं दिया जाएगा। तर्क ये दिया जा रहा है कि सीसीएस रूल 1972 के दायरे में कर्मचारियों को पेंशन दी जानी चाहिए। पुरानी पेंशन की मांग इसलिए कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ का कहना है कि ये अधिकार पहले से ही कर्मचारियों को दिया जा रहा है, केवल 2003 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको रिटायरमेंट पर ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। एनपीएस महासंघ के अनुसार कर्मचारी कर्मचारी होता है, उन्हें राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए और ना ही राजनीति के तराजू में तोला जाए। प्रदेश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव सेवा के लिए लड़ा जाता है, ना कि पेंशन के लिए लड़ा जाता है। हिमाचल के कर्मचारी एक बुद्धिजीवी वर्ग है और वे अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद इसे राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, जबकि कर्मचारियों का कहना है कि उनकी केवल एक ही मांग है कि उनके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार का रवैया ऐसा ही रहता है तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। कर्मचारी एकजुट जानते हैं जवाब देना। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगों को दबाने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। शांतिपूर्ण प्रदेश के शालीन मुख्यमंत्री को इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती कि कर्मचारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े और पेंशन का हकदार बन जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एकजुट है और जवाब देना भी बेहतर ढंग से जानते हैं। वही पंजाब चुनाव जीतने के बाद हिमाचल में अपना भविष्य तलाश रही आपका कहना है कि हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के कर्मचारियों को पेंशन के लिए चुनाव लड़ने वाले बयान की कड़ी भत्सरना की है। हिमाचल के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा का कहना है कि हिमाचल सरकार को चलाने वाले कर्मचारी ही है। इतिहास गवाह है कि कर्मचारी की एकजुटता ने सत्ता का सुख भोग रहे कई निष्क्रिय नेताओं को घर बिठाया है। यदि आम जनता व कर्मचारी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया तो सत्ताधारी सरकार ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी, और पंजाब की तरह हिमाचल में भी झाड़ू चलेगा और केजरीवाल की नीतियों की जीत होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कर्मचारियों की एकता को तोड़ने का प्रयास सफल नहीं होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाली की मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ उनके तबादले किए जाना किसी भी सूरत में सही नहीं है। कर्मचारियों की एकता को तोड़ने का प्रयास सफल नहीं होगा और कर्मचारी आने वाले समय में इस सत्ताधारी सरकार को जवाब जरूर देंगे। इसमें प्रदेश की पार्टी कांग्रेस भी उनके साथ है। उन पर जो भी FIR व अन्य मुकदमे किए गए हैं और जो तबादले किए जा रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से सरकार निरस्त करे, वरना आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।